कमाल की ट्रिक बताता हूँ, लेकिन इसका गलत उपयोग कभी भी मत करना। आप चाहते हो कि आपके फोन की जो स्क्रीन है वो बंद रहे और उसके बाद भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओ। यानी जब आप वीडियो रिकॉर्ड करो, चाहे फ्रंट कैमरे से करो चाहे बैक कैमरे से, लेकिन किसी को पता ना लगे आपकी स्क्रीन भी ऑफ रहे। आप किसी भी तरह का स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, बस ओयो में कभी भी ये स्टिंग ऑपरेशन मत करना, क्योंकि ये गलत चीज़ है। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस तरह से कैसे करना है और कौन सा है वो कैमरा, क्योंकि आप किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में वो एक्सेस कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि आपके जाने के बाद आपके फ़ोन को किसने छेड़ा है, या फिर आप इसे एज ए सिक्योरिटी कैमरा भी यूज़ कर सकते हो। तो चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और बताते हैं आपको कि आप लोग कैसे प्राइवेटली किसी का भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, और वो भी फुल। तो सबसे पहले दोस्तों आपको आ जाना है अपने फ़ोन के प्ले स्टोर पे, और यहाँ पर आकर आपको सर्च करना है XS कैमरा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला आइकन यहाँ पर आपको मिलने वाला है। मैंने पहले से प्री इंस्टॉल इसको कर रखा है। तो XS कैमरा रिकॉर्ड प्राइवेटली, यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ, और ओपन करने के बाद आपको इसको आगे करना है और स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर देना है। आफ्टर दैट आप यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं जो आपको सही करनी है, जैसे प्राइवेसी सेटिंग, कैमरा एंड वीडियो सेटिंग पे जाना है। अगर आप ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग, और कैमरे का टाइप कौन सा है, फ्रंट और बैक, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं फ्रंट कैमरा यहाँ पर रख देता हूँ तो फ्लैश लाइट ऑन नहीं होगी, और बैक कैमरे में आप लोग फ्लैश लाइट भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। फ्रंट कैमरे में हमेशा बैक लाइट ऑफ होगी। इसके अलावा आप लोग फुल एचडी में करना चाहते हैं तो यहाँ पर फुल एचडी में क्लिक कर देना है। एनेबल जूम वगैरह करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना फिर आप लोग इसको ऑफ भी रख सकते हैं। ये करने के बाद आप लोग को नोटिफिकेशन एंड टॉर्च सेटिंग में जाना है और इसको ऑफ कर देना है, ताकि कोई भी आपका फ़ोन चेक करे तो उसको पता ना लगे। आफ्टर दैट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आइकन आप इसका चेंज कर सकते हैं, किसी को पता ना लगे कि ये कैमरा है या फिर क्या है। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पर टैप कर सकते हैं, और यहाँ पर मैसेज का आइकन यहाँ पर हो चुका है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरे जो फ़ोन में अभी जो ये ऐप आया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर कहीं भी आपको अगर यहाँ पर एक्सेस कैमरा यहाँ पर मेरे को दिख रहा है, इसको मैं जैसे ही ऑन करता हूँ, अब मेरे पास वापस से हम लोग सेटिंग में चलते हैं और आइकन मैंने चेंज कर दिया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है डायरेक्ट यहाँ पर और स्टार्ट कैमरा के क्लिक कर देना है, और ग्रांट इसको कर देना है, और यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आप इसके नोटिफिकेशन वगैरह को अलाउ कर सकते हैं, या फिर आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने स्टार्ट कैमरा किया, और यहाँ पर जाने के बाद इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी मैं ऑन कर देता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं एक्सेस कैमरा यहाँ पर लिखा हुआ है, और नोटिफिकेशन मैंने अलाउ कर दिया डिस्प्ले टू अदर एप्स, और यहाँ पर मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो चालू हो गया। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा एक जो फ़ोन है वो, यहाँ पर मेरा एक फ़ोटो दिख रहा होगा। इसको वापस से आपको सेटिंग में जाना है। सबसे पहले तो इसको स्टॉप कर देना है। आप लोग को वापस से सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पर सेटिंग होगी। यहाँ पर होम पेज थीम में जाना है, और वॉइस कमांड लाइव और चेंज आइकन वगैरह का ऑप्शन आपके पास आ गया। प्राइवेसी सेटिंग पे जाना है, और उसके बाद प्राइवेसी मोड को मिनी प्राइवेसी कर देना है। सेव टू गैलरी को यहाँ पर ऑफ कर देना है, क्योंकि आप बाद में भी इसको सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लॉक स्क्रीन पर ये ऑफ दिखा रहा है, और लॉक स्क्रीन पर भी इसको ऑन कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर जाने के बाद आप लोग को वापस से बैक आ जाना है। आप लोग यहाँ से जैसे ही रिस्टार्ट कैमरा करते हैं, उसके बाद आपको अपना फ़ोन लॉक कर देना है। किसी भी तरह का, जिस भी तरीका का कोई बंदा आपके फ़ोन को यूज़ करेगा, तो वो तो यहाँ पर फ़ोन को ऑफ करने के बाद आपको साइड में रख देना है, और जैसे ही आप लोग जाओगे वैसे ही आपका ये जो पूरा वीडियो है वो रिकॉर्ड हो चुका होगा। और यहाँ पर वीडियो कैसा रिकॉर्ड होता है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। आप लोग देख सकते हैं वापस से एक्सेस कैमरे पे आना है, और यहाँ पे स्टॉप कैमरे पे मैंने ऑप्शन कर दिया है, और रिकॉर्ड में आपको जाना है, और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कैसा जो वीडियो है, आप देख सकते हैं फुल एचडी में ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई है। यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गाइज, फ़ोन ऑफ करने के बाद भी जो कैमरा है वो चालू है, और किसी को पता भी नहीं चला। अगर मैं अपनी गैलरी को खोलता हूँ तो वहाँ पर भी मेरे को कोई भी वीडियो यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। तो ये है एक्सेस कैमरा। इसके लिंक अगर आपको नहीं मिले तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बिल्कुल करें।